नजीराबाद थाना क्षेत्र के आरके नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में मां और बेटे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। जानकारी के मुताबिक घर के बड़े बेटे ने जब घर में कॉल किया, इस दौरान कॉल रिसीव ना होने पर जब घर पहुंचा तो कमरा अंदर से बंद था। आनन फानन में उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो नजारा देख सभी के होश उड़ गए। दरअसल 28 वर्षीय निखिल का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग मां का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। घटना को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। डीसीपी के मुताबिक प्रथम दृष्टया में ऐसा देखने से लगता है कि मर्डर और सुसाइड का मामला है। अभी तक मृतक परिवार की ओर से किसी भी तरह की कोई तहरीर नहीं दी गई है। हाँ देखिए, नजीराबाद थाना क्षेत्र में आरके नगर जो चौकी एरिया है वहाँ पे शाम को सूचना प्राप्त हुई थी। जो सूचनाकर्ता थे जितेंद्र, उन्होंने बताया था कि उनके एक भाई और जो उनकी मदर है वो ऊपर घर में रहती थी। उनके शव जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, जब दरवाजा नहीं खोल रहे थे तो उनको दिखाई पड़े। जो भाई थे वो जो फंदे पे उस पर लटके हुए थे और माँ बेड पे पड़ी हुई थी उनकी। सूचना पे जो थाना प्रभारी वो पहुँचे और हम लोग भी पहुँचे, फॉरेंसिक की टीम पहुँची। बॉडी को हम लोगों ने विधिवत तरीके से जो मौत के स्पष्ट कारणों को जानने के लिए फॉरेंसिक के लिए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक जो इनके भाइयों के द्वारा बताया गया कि जो जिस भाई ने सुसाइड किया है कि वो उनका वाइफ से कुछ डिस्प्यूट वगैरह था, तो उसी एंगल पे हम लोग प्रोब कर रहे हैं। अभी कोई तहरीर ऐसेज प्राप्त नहीं हुई है, जब भी तहरीर प्राप्त होगी मुकदमा लिख के कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है कि देखिए, प्रथम दृष्टिया तो जो भाई है, जो मृतक है, जिसका नाम है विवेक उर्फ निखिल है, वो जो हैंगिंग पोजीशन पे था और जो उनकी माँ थी उनका भी गला दबाया हुआ दिख रहा था, क्योंकि घर जो चारों तरफ से बंद था, गेट भी बंद था, उनके भाई के द्वारा ही तोड़ा गया था। तो जो ये लग रहा है कि शायद उनके अंदर में कोई डिस्प्यूट रहा है जो फैमिली में है, तो वो सारी चीज़ों की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से ये घटना हुई होगी। जो भी रीज़न है उसको हम लोग पता कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह फॉरेंसिक में भी देख रहे हैं और जो भी रीज़न आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा।